पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी अमित शाह अंबानी अदानी। ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, ये आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम एक दिन, दो दिन, तीन दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं, और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। आपने फंसा दिया मुझे, मुझे लग रहा है कि यहां अगली मीटिंग में ना जाऊं, यहीं आपके साथ एक दो दिन रहूं। आप सबका यहां दिल से स्वागत करता हूं। आपसे मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है, एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को, पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटकर दो स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया, पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में, यह काम पहले कभी नहीं किया गया। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा।
और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, ज्यादा रेट देते हो आप। ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हाँ, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको, हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी अमित शाह, अंबानी अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं,
कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे, और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चले। और जैसे मैंने देश में वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा। और ये जो आपने वकार जी कर्रा साहब, ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, ये आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम एक दिन, दो दिन, तीन दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है, ऐसे प्यारे लोग। कम से कम यहां मुझे दो तीन दिन के लिए लाइए और यहां घुमाइए। पांच मिनट, दस मिनट जितना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां, तो आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं, और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए, और कहे कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा, भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है, भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। तो हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आप मुझे बताओ, आप देखो, उन्होंने पहले कहा
कि जाति जनगणना नहीं होगा। हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी इनको हम सरकार से हटा देंगे। मगर हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, सबकी रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से बात हो। जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटा बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको लगे कि इस देश में हमारी भी भागीदारी है, बैंक के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, कर्जा माफ हमारा भी होता है और सिर्फ देश दो तीन लोगों के लिए नहीं चलता है। ये हम चाहते हैं और यही काम हम जम्मू कश्मीर में शुरू करेंगे। और कुछ ही समय में आप देख लेना यहां पे, ये आप वकार जी यहां पे चुनकर जाएंगे, आप जिताओगे इनको, हमारी सरकार बनेगी और ये आपके लिए पूरे दिल से दम लगाकर आपके लिए काम करेंगे। वकार जी, ये आप मुझे एक वायदा करो कि यहां पे आप मुझे एक दो दिन के लिए लाओगे और यहां के लोगों से मतलब अच्छी तरह, जैसे ऐसे नहीं मगर अच्छी तरह मिलाओगे।